हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। और गाइज, फाइनली यहाँ पर जो रेडमी नोट 10 के यूजर्स के लिए जो यहाँ पर जो MIUI 12.5.2.0 जो अपडेट रिलीज किया था, उसका जो यार पब्लिक रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। गाइज, ये जो अपडेट मुझे अभी तक नहीं मिला था, मैंने जो इसके रिगार्डिंग वीडियो भी डाली थी और मैंने जो यार इसे जो है अपने कस्टम रिक्वायरी से भी अपने फोन के ऊपर जो इसे इंस्टॉल करने की ट्राई की, बट वहाँ पर जो भी मुझे एरर देखने को मिल रहा था तो उसके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला था। बट फाइनली गाइज, यहाँ पर पब्लिक रोल आउट स्टार्ट हो चुका है। अगर ये जो गाइज आप लोगों को अपडेट अभी तक नहीं मिला तो आप जो अपडेट कर सकते हैं, आप लोगों को भी ये अपडेट जो अभी आप लोगों को अपने अपडेट ऐप्स के अंदर जो देखने को मिला होगा तो आप जो ऐसे अपडेट कर सकते हैं। साइज की बात करें तो 322 MB के आसपास इसकी साइज देखने को मिल जाती है, तो आप जो फटाफट इसे अपडेट कर लीजिएगा। तो चलो मैं भी फटाफट अपडेट करके आप लोगों को दिखा देता हूं। गाइज, आप लोगों ने वैसे भी पहले से ऑलरेडी वीडियो देखा ही होगा, फिर भी जो मैं फटाक से अपडेट करके आप लोगों को दिखा देता हूं। बस यहां पर मेरा काम है कि यार अपडेट जो पब्लिक रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जस्ट अभी मुझे यहां पर मिल चुकी है और यहाँ पर टाइम भी देख सकते हैं, 7:22 हो चुके हैं। और डेट भी मैं आप लोगों को बता दूं तो यहाँ पर 13 तारीख यहाँ पर देखने को मिल जाती है, तो आप जो देख सकते हैं। तो चलो मैं फटाफट इसे अपडेट कर लेता हूँ, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू कर देते हैं। तो गाइज, बस यार यही मैं दिखाना चाहता था। और यहाँ पर देख सकते हैं यार, डाउनलोड होने के बाद जो अपडेट अपने फोन के ऊपर जिस तरीके से फ्लैश होता है, जैसे कि अपना डिवाइस जो ऑफ होता है और उसके बाद जो यार फ्लैशिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है, बट यहाँ पर पूरा जो और मेथड चेंज कर दिया है Xiaomi की तरफ से। अब मैं भी जो यार इसके रिलेटेड आप लोगों को बता होगा, कोई भी यार वीडियो डाल रहा है जहाँ पर जो आप बाईपास कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी एरर आता था तो वो बीटा टेस्टर का वगैरह या फिर डाउनग्रेड के ऊपर भी मैंने वीडियो डाली थी, तो शायद से इसी वजह से जो है शायद से Xiaomi की तरफ से जो ये स्टेप उठाया गया है। देख सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पर फोन स्विच ऑफ हुए बिना यहाँ पर अपडेटिंग का प्रोसेस जो स्टार्ट हो चुका है। जैसे फाइल डाउनलोड हो जाती है यहाँ पर डायरेक्टली अपडेटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। देख सकते हैं अपडेटिंग 1% देखने को मिल जाता है, मेरा 99 से 100 हो गया और डायरेक्टली यहाँ पर अपडेटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो यार बस के वजह से ही चूज अपडेट पैकेज से अब जो है फाइल जो है यार यहाँ पर सिलेक्ट करने के बावजूद भी अपडेट फोन सक्सेसफुली नहीं हो रहा, तो ये जो यार यहाँ पर जो एरर देखने को मिल रहा है, आपका फोन जो ऑफ हो जाता है चूज अपडेट पैकेज से सिलेक्ट करने के बाद फाइल, और उसके बाद जो थोड़ा बहुत जो फ्लैशिंग का प्रोसेस स्टार्ट स्क्रीन पे दिखाता है और फिर से डिवाइस ऑन हो जाता है और एरर आ जाता है कि डिवाइस कांट बी अपडेट, ऐसा कुछ एरर आ जाता है। तो यार ये जो है मैं भी यहाँ पर जो परेशान हो चुका था, मैंने अपने फ्रेंड का मी अकाउंट यहाँ पर लॉगिन किया था, फिर भी यार मेरे साथ ऐसा सीन हुआ कि वहाँ पर अपडेट शो नहीं कर रहा था, तो मैंने चूज अपडेट पैकेज से किया तो मेरे साथ ऐसा सीन हुआ था, इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो ये जो है डायरेक्टली अपडेटिंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है और स्टार्टिंग में सब कुछ अपडेटिंग होने के बाद बस एक बार जो रिबूट करने का ऑप्शन आ जाता है, तो यार इस तरीके से कुछ यहाँ पर सीन हो चुका है। तो चलो मैं यार फटाफट आप लोगों को अपडेट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर 24% हो चुका है, तो आपको फास्ट मोशन में आप जो फास्ट फॉरवर्ड में देख लीजिएगा। तो गाइज, फाइनली यहाँ पर देख सकते हैं मेरा फोन जो अपडेट हो चुका है। और गाइज, आप लोगों को भी ये अपडेट नहीं मिला था, आप जो चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि यार बाद में अपडेट चला जाएगा तो आपको फिर से आने में थोड़ा बहुत जो टाइम लगने वाला है। तो यहाँ पर जो अबाउट फोन के अंदर फटाक से जाकर दिखा दूँ तो देख सकते हैं MIUI 12.5.2.0 देखने को मिल जाता है। और गाइज, ऑलरेडी यार मैं जो वीडियो लेट बना रहा हूँ इसके वजह से जो आप लोगों को इसके फीचर वगैरह पहले ही पता चले गए होंगे, फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा दूँ तो सिस्टम के अंदर जो आप लोगों को एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच को जो है सितंबर 2021 का जो है यहाँ पर कर दिया है, और लॉक स्क्रीन के अंदर जो है फेस लॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर एक साथ अगर आप जो यूज करते थे तो यहाँ पर कुछ एरर आ जाता था, मतलब साइमल्टेनियसली दोनों भी एक साथ वर्क करते थे तो वहां पर जो कुछ क्रैश हो जाता था, तो उसे भी यहां पर फिक्स कर दिया है। और स्टेटस बार एंड नोटिफिकेशन सेट के अंदर जो कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, उसे भी यहां पर क्लीनर के एनिमेशन के अंदर जो है फिक्स कर दिया है। बाकी यार इसका अपडेट आया होगा तो आप लोग अपडेट कर सकते हैं, आपके जो है गेट ऐप्स के अंदर देखने को मिला होगा। तो यार इस तरीके का कुछ जो यहाँ पर अपडेट आ चुका है, वैसे भी आप लोगों को पता चल ही गया होगा, बट ये जो पब्लिक रोल आउट है तो आप जो इसे चेकआउट कर सकते हैं, आपको मिला होगा, आपको नहीं मिला तो आपको फिर से वेट करना पड़ेगा। वैसे मेरे ख्याल से आप लोगों को मिला होगा, मुझे तो ये मिल चुका है। तो यार बस यार आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी, पसंद आती तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपको इसके रिलेटेड कौन सी वीडियो चाहिए तो आप जो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि यार मैं ऑलरेडी लेट है इसके वजह से जो मैं यहाँ पर ज्यादा कवर नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को पहले ही सब कुछ पता गया होगा। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, टिल देन एंड बाय बाय।